ESPN Cricinfo Fantastic 11 पर मैं रौनक कपूर फिर हाजिर हूँ हमारी प्रो टिप्स और टॉप पिक्स और हॉट पिक्स के साथ. मैच नंबर 8 बिग बैश लीग में होगा होबार्ट हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच. अब ये मैच जो है मो में खेला जाएगा जहां पे सिर्फ एक ही बिग बैश लीग मैच हो चुका है, तो हमारे पास ज्यादा एविडेंस तो नहीं है, लेकिन प्रो टिप वन हमें यही बताएगा फॉर दैट आप अपनी टीम में बैट्समैन और ऑलराउंडर ज्यादा रखिए ताकि आप सारे बेसिस कवर कर सकते हैं. तो अगर हम हमारे टॉप पिक्स के बारे में बात करें, डासी शॉट को हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस एक्सप्लोजिव ओपनिंग बैट्समैन को अपना कैप्टन बना दें. पिछले मैच में उन्होंने एक मैच विनिंग पारी खेली थी, एक 51 रन्स बनाए थे 40 बॉल्स में, और साथ ही लास्ट ईयर प्लेयर के लीडिंग रन स्कोरर रह चुके हैं. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है डासी शॉट, और शुरुआत अच्छी की उन्होंने इस बिग बैश लीग में भी. तो डासी शॉट इज आर कैप्टनसी रिकमेंडेशन. वाइस कैप्टन रिकमेंडेशन इज ग्लेन मैक्सवेल जो मेलबर्न स्टार्स के कप्तान है, और पिछले मैच में बहुत ही शानदार पारी उन्होंने खेली, वापसी कर रहे हैं फ्रॉम द गेम आफ्टर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स ने मैक्सवेल को थोड़ा एक ब्रेक दे दिया था क्रिकेट से, और बड़े प्राइस के लिए IPL में भी उनको पिक किया गया है. तो थोड़ा मोटिवेशन और थोड़ा रहेगा ग्लेन मैक्सवेल का. हम इन्हें कैप्टनसी पिक भी रेकमेंड करते हैं, लेकिन क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल थोड़ा मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तो दैट्स वाई इट्स स्लाइटली अनसेफ टू गो फॉर मैक्सवेल इज कैप्टन. इसलिए हम ये रेकमेंड करेंगे कि आप डासी शॉट को अपना कैप्टन पिक करें और मैक्सवेल को अपना वाइस कैप्टन पिक करें. साथ ही हमारे बाकी के अगर टॉप पिक्स की बात करें तो कैस अहमद, इनकी जो सेलिब्रेशन है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुकी है. अच्छे लेग स्पिनर है, युवा खिलाड़ी अफगानिस्तान के, और कमाल के लेग स्पिनर की एक डिलीवरी के बाद जब विकेट उनको मिला तो समर सॉल्ट सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छी तरह से कर पाए. उससे बोनस पॉइंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कैस अहमद स्टार्टेड वेरी वेल, 4 विकेट लिए थे पिछले मैच में. सो कैस अहमद इज वन ऑफ आर टॉप पिक्स. साथ ही बेन डंक को हम रेकमेंड करेंगे. माना कि फर्स्ट मैच में ज़्यादा रन नहीं बने इनके, लेकिन साउथ अफ्रीका के एमजांजी सुपर लीग में टॉप रन स्कोरर थे बेन डंक, तो ही इज वन ऑफ आर टॉप पिक्स एज वेल. और कैस अहमद के साथ साथ एडम जैम्पा को भी हम पिक करने वाले हैं, एक हमारे दूसरे एक स्पिनर आ गए इस टीम में. ये संदीप लमिचाने के आगे हम इन्हें पिक करेंगे. लमिचाने जो पावर प्ले में डालते हैं थोड़ा एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है, रन के लिए जा सकते हैं कभी कभी. सो एडम जैम्पा जिन्होंने पहले मैच में 3 विकेट निकाले थे, तो इसलिए हम यही रेकमेंड करेंगे कि आप एडम जैम्पा को एक टॉप पिक माने. जस्ट हैव अ लुक एट आवर टॉप पिक्स एंड आवर कैप्टनसी पिक्स अगेन. डासी शॉट एज कैप्टन, ग्लेन मैक्सवेल वाइस कैप्टन, कैस अहमद, बेन डंक और एडम जैम्पा. कुछ वैल्यू पिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, प्लेयर्स दैट यू विल गेट फॉर गुड प्राइसेस इन योर फैंटेसी टीम. और राइली मेरेडिथ जो बहुत ही एक तेज गेंदबाज है, होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से खेलते हैं, और एक इकोनॉमिकल स्पेल उन्होंने डाला था पिछले मैच में, 4 ओवर में केवल 10 रन देके 1 विकेट निकाले थे. तो ये एक डिपेंडेबल बॉलर है आपकी इस टीम में, तो यू कैन पिक समवन लाइक राइली मेरेडिथ. और साथ ही हरीश राउफ भी हमारे एक वैल्यू पिक है मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, आप उन्हें पिक कर सकते हैं. PSL में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 10 विकेट्स लिए थे, इकोनॉमी रेट भी 7 के आसपास, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. सो हरीश राउफ एंड राइली मेरेडिथ हमारे वैल्यू पिक्स इस मैच के लिए. एक नज़र डालते हैं हमारी प्लेइंग 11 पर, देन द फैंटास्टिक 11 रिकमेंडेड बाई ESPN क्रिकिनफो. तो जिस तरह हमने कहा, डासी शॉट कैप्टन और ग्लेन मैक्सवेल वाइस कैप्टन, निक मैडिसन को आप पिक कर सकते हैं, साथ ही बेन मैकडर्मट एज योर विकेट कीपर, मार्कस स्टोइनिस, बेन डंक, जेम्स फॉकनर. तो जिस तरह मैंने कहा, ऑलराउंडर्स पे आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं इस मैच में, कैस अहमद, राइली मेरेडिथ, हैरिस राउफ और एडम जैम्पा. तो ये थी हमारी ESPN क्रिकिनफो फैंटास्टिक 11 फॉर दिस मैच. याद रखें, टॉस के बाद प्लेइंग 11 को देख के ही अपनी फाइनल टीम आप पिक कीजिए और तय कीजिए, और हम फिर हाजिर होंगे ESPN क्रिकिनफो फैंटास्टिक 11 के साथ फॉर द बिग बैश लीग.